सबसे पहले आप यहाँ आए, गर्मी के समय आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये आपके और हमारे बीच में डिस्कशन है। आपकी मन की बात सुनने आया हूँ, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफेमिंग यू इन द सोसाइटी एंड आफ्टर ऑल दिस इज गोइंग ऑन स्टिल यू हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी ग्रेसफुली। How do you fight this battle which is going on inside you? Whereas also you're doing something good for the society and creating a whole new mindset from this project of Bharat Jod. मेरी जिंदगी में मुझे सच्चाई से शक्ति मिलती है। मैं सोचता हूँ कि जितना आदमी सत्य के पास जाता है उतनी शक्ति उसको मिलती है। और इस देश ने मुझे इतना प्यार दिया है कि एक प्रकार से मैं कर्जदार हूँ। उस कर्ज को मैं सच बोल के पूरा करता हूँ। देश का जो सिस्टम है उसको मैं अंदर से समझता हूँ और जानता हूँ, बहुत गहराई से समझता हूँ और मैं सच बोलता हूँ। तो जो लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं उनको इस बात से डर लगता है, इसीलिए वो मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जितना वो अटैक करते हैं, जितना आक्रमण करते हैं, उतना मुझे सीखने को मिलता है। जैसे आप नदी में पत्थर देखो, नदी बिल्कुल उसको चमका देती है, वही मेरे साथ किया जा रहा है। डरना नहीं चाहिए, देश डर से नहीं बनता है, देश नफरत से नहीं बनता है, निडरता से, मोहब्बत से बनता है। जो भी नफरत फैलाता है वो देश द्रोही है। इंडस्ट्री दौड़ दौड़ नगर मात्र स्थापने आता है, रूरल एरिया स्थापने आता है। सो इले एजुकेशन कंप्लीट माड़ी ना जॉब अपॉर्चुनिटी अंत बेरे ऊरुगळिगे शिफ्ट आगबेकागुत्ते। सो व्हाट इज युवर विजन एंड सजेशन टू द कांग्रेस गवर्नमेंट टू स्टॉप दिस माइग्रेशन? इफ यू लुक एट एनी नेशन दैट इज सक्सेसफुल, यू विल फाइंड that industry is actually built on top of agriculture. I don't just mean agricultural production. I mean agricultural production plus the system to turn that agricultural production into products. The system that brings the product to your homes. Storage systems, transportation system, the whole structure that transforms agriculture. And on top of that structure, you can create millions of jobs in the rural area. So for example, if farmers are growing tomatoes, have the tomato ketchup plant right near the farmers where they're growing tomatoes. So the answer to creating rural jobs is building rural infrastructure and successful agriculture. And at the heart of creating rural jobs, you have to respect the farmer and the labor. For example, if you have a farmer who is growing tomatoes, the bank should lend him the money to put up a plant. Currently, what is happening is the farmer has no protection. The laborer has no protection. If you remember during UPA, we had forgiven the loans of thousands of farmers in the country. So that is how you can transform the rural economy. मैं एक MBBS graduate हूँ। अभी दो महीने में मेरा internship भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे PG seat लेना है। But एक दो attempt से मेरा PG crack नहीं हो सकता है, क्योंकि PG seat बहुत कम है। और इस साल 2B category reservation quota भी निकाल दिया है। Court से वो stay order में है। हमारा benefit हमसे छीना जा रहा है। और एक विषय ये है कि सारे interns को stipend नहीं मिल रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लोग ही उनके इंटर्न्स को स्टाइपेंड दे रहे हैं, बट हम प्राइवेट कॉलेज के इंटर्न्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। तो इस विषय पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगा सर? हमारी सोच है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो। सबसे पहले अगर हम देश में सबको भागीदारी देना चाहते हैं, सबको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किसकी आबादी कितनी है। मतलब आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं। पहला काम डॉक्टर एक्सरे लेगा, कहेगा कि भैया देखते हैं अंदर क्या है। तो यूपीए के समय हमने ऐसी एक एक्सरे ली थी, उसको हम कास्ट सेंसस कहते हैं। सेंसस के डेटा में पूरा इंफॉर्मेशन है कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कितने हैं, पूरा का पूरा सेंसस डेटा में है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि जो हमने सेंसस किया था उसके डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। दूध कप को दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जिसकी जितनी आबादी है उसकी भागीदारी दे सकते हैं। सामाजिक न्याय का पहला कदम ये एक्सरे है, मगर नरेंद्र मोदी इस एक्सरे को पब्लिक करना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, ये जो 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पर, इसको आप हटाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। और अगर आप करने को तैयार नहीं हो तो हम कर देंगे। सर, नम भारत संविधान तुम्बा अपाय देखिए, याकंद्रे बीजेपि सांसद अनंत कुमार अवरु नम भारत संविधान बदलिसबेकु अंत हेळ्तारे। नावु भारतीय युव प्रजेगळागि It is not just the constitution of India that is under attack. It is all the institutions that protect the constitution. आजादी के बाद constitution आया,
हर नागरिक को अधिकार मिला, हर नागरिक की आवाज की इज्जत हुई। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वे एक बार फिर दलितों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को, पिछड़ों को इस देश का कुछ ना मिले। से आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई उनसे इसी बात पर है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन दिलवाया। आप इतिहास देखिए, इतिहास पढ़िए, आरएसएस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महाराजाओं के साथ खड़े थे, जनता के साथ नहीं थे। और आज भी वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, हिंदुस्तान के अरबपतियों के साथ खड़े हैं। और धर्म का ये बहाना बनाते हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। कांग्रेस पार्टी और देश की जनता Constitution को कभी रद्द नहीं होने देगी। The population is growing day by day and because of that everybody are saying that it is a demographic advantage. But in Karnataka we are not having any opportunities regarding this. So what is your suggestion and what do you think about this? When the Congress party gave a vision for Karnataka, Karnataka scaled some heights. Bangalore is known all over the world. It is because of the vision of the Congress Party. If thousands and thousands of youngsters have gone to the United States, set up companies, come back, built software companies in Karnataka, it is because a vision was provided to the state. The problem arises when you do not have a vision and you loot the state the way the BJP has done. The BJP's vision for Karnataka is 40%. How can youngsters in Karnataka hope to succeed? So the bridge that has been built between Karnataka and the rest of the world through Bangalore has to be strengthened. The hatred that the BJP is spreading in Karnataka and the rest of the country is destroying that bridge. The second idea is strengthening Karnataka's small and medium business, making it easy for all of you to get bank loans and start your business. There has to be fairness in who gets the loans. Today, loans only go to the biggest industrialists in the country. That has to change. So that is how I think we can transform this state. So what is the point of renaming the infrastructure, stadiums, awards and all? There was an award which was like Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and it has been changed into Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Why is this happening? When somebody doesn't have anything else to do, they change names. I'd like to thank all of you for coming here. I had a very nice afternoon. Thank you for your wisdom. Thank you for your questions. Thank you for your suggestions.